पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के आदेश के बाद पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने के नेतृत्व में सोमवार को पुलिस ने शहर में ड्रग्स पैडलर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 86 स्थानों पर छापे मारे हैं, जिस दौरान पुलिस ने कुछ आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाकर ड्रग्स पैडलर को एक ही समय में नियोजनबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने के नेतृत्व में शहर में क्राइम ब्रांच की टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई। दिन भर 86 स्थानों पर छापे मारे गए हैं। उसके साथ ही कुछ आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। सीपी ने ड्रग्स के सभी धंधे पूरी तरह बंद करवाने के निर्देश विभाग को दिए हैं। छोटे बड़े सभी विक्रेता सलाखों के पीछे होने चाहिए। इसके लिए पुलिस ड्रग्स सेवन करने वालों की भी धरपकड़ करी है। माल बेचने वालों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई में अलग अलग स्थानों से पुलिस ने 20 विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 13 लाख रुपयों का MT, 7,80,000 रुपयों की चरस और 2.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। कुछ स्थानों पर पुलिस ने जुआरियों और शराब विक्रेताओं को भी गिरफ्तार किया। नागपुर शहर में कल 86 जगह पर छापेमारी की थी जो ड्रग पेडलर्स है पुराने, उनके ऊपर पूरे नागपुर शहर के पुलिस में अलग अलग टीम बनाकर छापेमारी की थी। उसमें बहुत सारी कार्रवाई हो गई है, गांजा के ऊपर हो गई है, MD और चरस भी मिला है। कि कल की एक कार्रवाई में एक दिव्यांग व्यक्ति का उपयोग चरस और MD लाने के लिए किया था। वो दिव्यांग व्यक्ति जिसका पैर टूटा हुआ था, आर्टिफिशियल पैर लगाया था, तो उस पैर में वो MD और चरस के पुड़िया थी। तो एक गोपनीय माहिती हमारे टीम को मिली थी, NDPS टीम को, तो उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की है। या ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी और शहर में जहाँ भी ऐसे ड्रग्स के छुपे धंधे चल रहे उसके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। जय हिंद। पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने ने इस वक्त बताया कि उन्होंने एक अपराधी को गिरफ्तार किया जो भले ही दिव्यांग था लेकिन उसने अपने आर्टिफिशियल पैर में MT छुपा कर रखा था। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई पुलिस द्वारा आगे भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।